जनपद में जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार के निर्देशन पर जहां अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर वन विभाग चेक पोस्ट पर यमुना नदी पुल के आसपास दिन दहाड़े अवैध खनन का गोरख धंधा भी चल रहा है। हालांकि हिमाचल उत्तराखंड को जोड़ने वाला यमुना नदी पुल काफी पुराना हो चुका है, इसके बावजूद पुल के नीचे धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है, परंतु अवैध खनन को देखते हुए भी अनदेखा किया जा रहा है। इससे साफ पता चलता है कि जिला अधिकारी के अवैध खनन पर रोकथाम के निर्देश जिम्मेदार कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट।